अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के लेसन में मैं आपको सिखाऊंगी गेनेल खोनुशमालार यानी जनरल कन्वर्सेशंस। पेक एमीन देलिम, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, बिलमियोरुम, आई डोंट नो, सादिजे सोरमक इस्तेमिश्तिम, आई ओनली वांटेड टू आस्क, मैंने सिर्फ पूछना चाहा था, सादिजे ओनली सिर्फ, सोरमक पूछना, टू आस्क, इस्तेमिश्तिम, आई वांटेड मैंने चाहा था, सनमियोरुम, आई डोंट थिंक सो, बुनु देमेक इस्तेमियोरुम, आई डोंट वांट टू से दैट, मैं ये कहना नहीं चाह रहा, नहीं चाह रही, देमेक का मतलब भी होता है कहना, बिनिम इचिन हिच फार खेतमैस, इट मेक्स नो डिफरेंस फॉर मी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिनिम इचिन फॉर मी, फार खेतमैस कैंट मेक डिफरेंस, हिच नेवर कभी नहीं, बिनिम इचिन हिच फार खेतमैस, इट मेक्स नो डिफरेंस फॉर मी, बखलुम लेट्स सी, देखते हैं, गोरेजेइज वी विल सी, हम देखेंगे, हर जमान ओलूर बोले शेलर, सच थिंग्स ऑलवेज हैपन, हर जमान का मतलब होता है ऑलवेज, एवरी टाइम, ओलूर का मतलब होता है हैपन्स, बोले दीज टाइप ऑफ, इस तरह के, शेलर थिंग्स, ओला बिलीर इट्स पॉसिबल, हो सकता है, साचमा नॉनसेंस, हिचबिर अनलामयोक, इट डजंट मेक सेंस, इसका कोई मतलब नहीं, फेक था भी ऑफ कोर्स, बिल्कुल, चोक बासित वेरी सिंपल, शर्तलारा बालु इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसिस, शर्तलार कहते हैं सर्कमस्टांसिस को, बालु कहते हैं डिपेंडेंट, शर्तलारा यानी हालात पे, बालु डिपेंडेंट, हालात पे मुनहसिर है, हालात पे डिपेंड करता है, बुनुन हकंदा ने दिशुन्योरसुनुस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, दिशुनमेक का मतलब होता है सोचना, हकंदा अबाउट, बुनुन हकंदा ने दिशुन्योरसुनुस, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, बुनु बिल मैनिस गेरेकिर, यू ऑट टू नो दिस, आपका ये जानना ज़रूरी है, बुनु इसको, गेरेक यानी नीड, ज़रूरत, इम्पोर्टेंस, बिल मैनिस आपका जानना, बुनु बिल मैनिस गेरेकिर, आपका ये जानना ज़रूरी है, साहिमी रियली, फेना देल नॉट बैड, फेना यानी बुरा, देल नहीं है, सिजिनले थमामेन हेम फिकिरिम, आई कम्प्लीटली एग्री विद योर आइडिया, थमामेन का मतलब होता है कम्प्लीटली, सिजिनले आपके साथ, थमामेन मुकम्मल तौर पे, हेम फिकिरिम, हेम फिकिर उस इंसान के लिए यूज़ किया जाता है जो आपके साथ सेम आइडियाज़ रखता हो, सिजिनले थमामेन हेम फिकिरिम, आई कम्प्लीटली एग्री विद योर आइडिया, हम फिकीर यानी जिस तरह उर्दू में हम सफ़र होता है, हम नाम होता है, उस तरह टर्किश में जो इंसान हमारे साथ सेम आइडियाज़ रखता है उसे हम फिकीर कहते हैं, हक लसनस यू आर राइट, आप हक पे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, असला हिचबिर ज़मान, कभी नहीं, असला यानी कभी नहीं, हिचबिर ज़मान का भी यही मतलब है, हिचबिर सूरत इन नो वे, किसी सूरत भी नहीं, हेप्सी बुखदार That's all. बस यही कुछ है आज के लिए, बस इतना ही, अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियो भी जल्द ही आएगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।